ओके क्वेश्चन फोर्टी वन टू फिफ्टी चैप्टर थर्टी टू गाइज आई रिक्वेस्ट टू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ट्वाइस एंड देन यू सी द सोल्यूशन ऑल आर चिल्ड्रन चलो आगे बढ़ते हैं फोर्टी वन देखेंगे पहले फाइंड द इक्वल ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर देखो यहाँ से यहाँ तक देखो ऊपर वाला व्हीट स्टोन ब्रिज है सभी आर होते हैं व्हीट स्टोन में आर वन से लेकर आर फोर तक सेम होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ आर फाइव सेम आंसर आता है तो ये आर है सभी आर हैं ये वाले तो आर आ जाएगा इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे तो आर बाई टू इज द आंसर ठीक है इसमें देखो सेकेंड वाले में ये सिमेट्रिक सिचुएशन है यहाँ से करंट आई वन है और नीचे भी सेम है बिल्कुल पूरा पार्ट इक्वली डिवाइड है तो नीचे भी आई वन जाएगा और बीच वाली में आई ले लिया हमने इधर से देख रहे हैं तो बिल्कुल सीमेट्रिक है इधर से जब हम देखेंगे फिर से सीमेट्रिक है यहाँ से जो करंट भेजा गया वो इधर आ जाएगा यहाँ से जो भेजा गया वो आई टू इसमें आ जाएगा और इसमें से जो भेजा गया वो इधर आ जाएगा जैसा करंट इधर से भेजा जाएगा वैसा रिसीव होगा जैसा इधर से भेजा जाएगा वैसा इधर रिसीव होगा तो इसका मतलब आई टू करंट जो है ये ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ से करंट क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है तो इसको हम डिसकनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से अभी ये दोनों पैरेलल में होंगे इसके साथ सीरीज़ में होंगे फिर ये इसके साथ सॉरी ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में फिर इसका जो नेट आएगा इन दोनों के साथ सीरीज में होगा और ऐसे इधर भी है तो ये दोनों का एक का जो नेट आएगा उसका आधा कर देंगे तो इन इन दोनों ब्रांच का आ जाएगा फिर उसके साथ पैल फिर उसका जो आएगा इसके साथ पैल लगा देंगे टू आर के साथ तो दैट्स व्हाट आई हैव डन अपर एंड लोअर ब्रांच का हमने निकाल लिया जितना आएगा उसका हाफ हो जाएगा पैरेलल में डिक्रीज होता है तो अपर ब्रांच का हमने ये निकाल लिया देखो आर इन दोनों का टू आर एंड आर पैरेलल का फार्मूला लगाया आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू और प्लस ये ठीक है तो इसको सॉल्व किया फोर आर बाई थ्री आ गया इस ब्रांच का इस ब्रांच का पैरेलल में हाफ़ करना पड़ेगा अभी इस टू आर के साथ फिर से पैरेलल में है वो तो आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू का फार्मूला लगाया तो फोर आर बाई फाइव आ जाएगा फोर्टी टू देखेंगे इसमें ध्यान से देखो ऊपर भी टेन 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 है नीचे भी टेन टेन है जि, जि, जितना स्पैंट का पोटेंशियल होगा उतना स्पैंड का ऐसे जितना इसका होगा उतना ये तो ये दोनों कट निकल जाएंगे तो क्या बचा अभी ऊपर थर्टी नीचे थर्टी इन पैरेलल तो आर वन आर टू अपन आर वन प्लस टू थर्टी थर्टी में तो फिफ्टीन आ जाएगा उसका करंट वी बाई आर नेट वी सिक्स वोल्ट है आर नेट पंद्रह आया तो ज़ीरो पॉइंट फोर इसमें देखेंगे सर्किट दिया है दो बैटरीज हैं और दोनों देखो सीरी, सीरीज नेट सीरीज़ में आ रही तो नेट उनका ऐड हो जाएगा दोनों रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में है वो ऐड होकर डिवाइड कर दिया हमने तो करंट आ गया वन पॉइंट वन थ्री इसमें ठीक है तो हमें निकालना क्या है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस करंट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फाइव ओम वीज गुडवाई वायर तो इतना आ जाएगा टेन के क्रॉस अगेन वीज गुडवाई वायर रेजिस्टेंस अभी टेन ओम लेंगे तो इतना आ जाएगा बी बी से नेक्स्ट पार्ट बी जो है ना सेम है बैटरी की पोजीशन फर्क नहीं पड़ता है दोनों बैटरी एक साथ लगा दो या अलग अलग करके लगाओ डजेंट मैटर सिंगल लूप में सिंगल ब्रांच में और सिंगल लूप में डजन मैटर बैटरी आगे पीछे लगा सकते हैं पोलरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए तो क्या इसका प्लस इधर इसका प्लस इधर 44 में 12 वायरस हैं सबका रेजिटेंस आर है।, है ना जॉइंट एज शोन फाइंड द दिस्टेंस बिटवीन द डाइगनली अपोजिट कॉर्नर्स तो यहाँ पे हमने एक बैटरी में कनेक्ट कर दी सपोज उसने थ्री एम थ्री एम थ्री आई करंट भेजा यहाँ दो ब्रांचेस सिमेट्रिक हैं इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीन ब्रांचेस आया आया आए आ गया फिर यहाँ पे भी फिर इधर इधर भी सिमेट्रिक है फिर से आधा आधा डिवाइड हो जाएगा आई बाई टू आई बाई टू इधर फिर यहाँ से जो ऊपर से आई बाई टू आएगा ये भी आई बाई टू तो ऐड होके आए हो जाएगा लास्ट की ब्रांचेज में फिर से ज्वाइन होकर आए 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 ठीक है तो हमने क्रिचॉफ लगाया ऐसे बिगड़ लूप के लिए बिग लूप नीचे वाला विद बैटरी विद ही कैसे जा रहे हैं क्लॉक वाइज ठीक है यहाँ से गए करंट के, के डायरेक्शन में गए माइनस आई आर यहाँ भी माइनस आई आर यहाँ भी माइनस आई आर इसके प्लस से निकले तो प्लस ही तो ई जीको टू फाइव आई आर बाई टू आ गया सॉल्व करने से फिर ओम ओमसला से सपोज इसका नेट रेजिस्टेंस आर नेट है तो ई जीको टू थ्री करंट कितना जा रहा है यहाँ से थ्री आ जा रहा है थ्री आई इंटू आर नेट ये एक इक्वेशन ई e के लिए ये दूसरी इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे आर निल भी फाइव आर बाई सिक्स कैपासिटेंस हो जाता सिक्स बाई फाइव इसका डिजिट्स रिवर्स हो जाते इन्वर्ट हो जाते सिक्स फाइव सिक्स सी बाई फाइव आ जाता फोर्टी फाइव अगेन दिस इज अ सिंपल केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो पहला पार्ट देखते हैं यहाँ पे हमने सेपरेट डायग्राम बनाए ये दोनों सीरीज में यहाँ पे बट जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना होता है वहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं अभी देखो यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में तो आर 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 टू आर हो जाएगा फिर इसके साथ पैरेलल में इसका पैरेलल निकाल लिया टू आर बाई थ्री फिर अभी सिंपल ये दोनों फिर से सीरीज में आ जाएंगे फाइव आर बाई थ्री हो जाएगा नीचे आर के साथ पैरेलल में तो इट कम्स टू बी फाइव आर बाई एट बी देखेंगे पॉइंट ए यहाँ पर है सी यहाँ पर है बी यहाँ पर तो ये देखो ये कनेक्टिंग वायर से जीरो रेजिस्टेंस की तो यहाँ भी पॉइंट ये भी पॉइंट बी पर रहेगा बी बी पोटेंशियल पर ये भी बी पोटेंशियल पर ये भी, भी तो यहाँ पर हमने बी लिख लिया है सी यहाँ पर लिख लिया और एक यहाँ लिख लिया तो ये देखो एक दो तीन सी एंड बी के बीच में सी एंड बी के बीच में तीनों तो ये तीनों पहले लोग इसके साथ सीरीज में आ जाएंगे फोर आर बाई थ्री आ जाएगा सी देखेंगे ये पॉइंट है तुम्हारा एक और ये पॉइंट है ए एंड बी ठीक है तो ये रेजिस्टेंस हो गया नीचे वाला ये हो गया ये दोनों टू आर हो जाएंगे ये वाला एक हो जाएगा इधर का और नीचे वाला ये दिस इज द वीटिस्ट ब्रिज इक्वल रेजिस्टेंस है आर फाइव को छोड़ के तो उतना ही आंसर आता है आर ये हट जाएगा ये दोनों टू आर ये भी टू आर फिर पैल में टू आर बाई टू आर बचेगा डी वाला देखते ए एंड बी इसमें क्या है ये वाले ये सब बी पोटेंशियल पे हैं ये वाले तो रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल बी पर है और दूसरा टर्मिनल ए पर है तो सारे पहला लोग हैं एंड बी के बीच में सारे अगर यहाँ पर बी है तो ये भी यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा यहाँ भी ड्रॉप नहीं होगा हो. कनेक्टिंग वायरस है कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं बीच में पूरा सरकमफ्रेंस बी पर रहने वाला है पोटेंश बी पोटेंशियल पर रहने वाला है तो आर 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 फोर आर पैलर में है तो आर बाई फोर आ जाता है ई फिर से ये B ट्यूशन मिल जाता है ये वाला तो देखो इधर आ गया ये यहाँ आ गया ये बीच में आ गया और ये नीचे वाला इधर आ जाएगा बी इधर ये वाला इधर आ जाएगा ये पॉइंट सी है देखो ये पॉइंट D है ये एंड बी इधर वाले तो वीटिस्टोन पर इस पैलर में आई मीन I mean, सभी की वैल्यू आर है तो इसका आर ही आएगा ऊपर का टू आर नीचे का टू आर टू आर बाई टू हो जाएगा आर बचेगा ये कैंसिल हो जाएगा बैलेंस कंडीशन में फोर्टी सिक्स में देखते हैं ये वन एंड टू ओम की इनफाइनाइट नेटवर्क है तो यहाँ से देखो ए पॉइंट पी एंड क्यू से सिमेट्रिक है आगे का देखो यहाँ पे वन है तो ये वन आ गया ये टू है तो टू आ गया तो इनफाइनाइट अगर पी से पी से कट करके लेफ्ट वाला पार्ट कट करके फेंक दे फिर से आगे से सेम सिचुएशन हो रही तो इसका मतलब क्या है अगर हमने पूरे रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का एक्स लिया है ए से भी तक पूरे नेटवर्क का एक्स लिया है तो पी क्यू से भी एक्स होगा एक 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 सेल कट करके फेंकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनफाइनाइट तक सीरीज है तो पी क्यू से भी एक्स होगा तो उसको हमने पी क्यू से ब्रेक किया जहाँ से सिमेट्री स्टार्ट होती है और उससे आगे भी एक्स रहता है उससे आगे भी सेम होगा जो ए बी सी होगा बिकॉज इन्फीनट सीरीज़ है तो इसको हमने ये ये ले लिया यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ इससे आगे का एक्स है ये तो उसको एक्स मान लिया और ये सिंपल सर्किट हो गया ये दोनों ये दोनों पैरेलल में है उसका वन के साथ सीरीज़ में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन गई इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस वाला टर्म छोड़ देंगे माइनस नहीं हो सकता प्लस बचेगा तो टू ओम आ गया यू कैन सी सीधा रहेगा ठीक है इनफाइनाइट में एज्यूम करना पड़ता है जहाँ से सिमेट्री स्टार्ट होगी वहाँ से फिर हम आगे का भी एक्स ले सकते हैं पीछे वाला लेफ्ट का काट के फेंक दो तो फिर से सेम सिचुएशन दिखती क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और यहाँ भी आर ए भी तो एक्स हमने माना ही है तो इसलिए यहाँ भी एक्सपोर्ट किया तो नेट करंट विल बी ई बाई आर नेट थ्री एम फिर बोला है कि इसमें कितना आएगा तो अभी देखो ये वन है और ये टू है आगे का भी टू होगा तभी तो ये वन आया होगा तो आगे का पूरा टू है इसके बाद का यहाँ से यहाँ तक कैसे तो ये भी टू एक्स भी टू है। चेक करो एक्स टू आ गया देखो यहाँ पे ओके एक्स टू आ गया तो आधा डिवाइड होगा आ, वन पॉइंट फाइव इसमें जाएगा वन पॉइंट फाइव इसमें जाएगा फोर्टी सेवन पे आते हैं ये बैटरी दिए ई एम की ये रजिस्टेंस वन है ये फिफ्टी है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस टू हंड्रेड है एमीटर का टू है ठीक है तो बोला है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ मीटर्स पहले तो नेट रेस्टेंस दें, ये दोनों पैरेलल में है इसके साथ सीरीज में है और इस ये भी तो ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे ये वन और इसका नेट और ये सीरीज में आ गया तो ये फोर्टी हो गया ई नेट अपॉन आर नेट फोर पॉइंट थ्री अपॉन फोर्टी थ्री जीरो पॉइंट वन एम पी ठीक है तो इसकी रीडिंग क्या होगी अभी दोनों का दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है फोर्टी तो ओम छह से वीज गुडो आई आर आई इसको सिंगल रेजिस्टेंस मान लो करंट जीरो पॉइंट वन और ये सिंगल रेजिस्टेंस में इंटर होगा तो आर डैश मतलब इन दोनों का पैलर तो फोर ठीक है फिर से सुनो कि दोनों का सिंगल रेजिस्टेंस निकाल लो और यहाँ से जो करंट आएगा दोनों का कंबाइन उसमें से जाएगा जीरो पॉइंट वन तो जीरो पॉइंट वन इन टू वोट मीटर का पैलल ब्रांच का फोर्टी रहा है तो ये फोर रीड करेगा उसके बाद ये ये यहाँ स्विच लगा देंगे तो फिफ्टी एंड टू पैरल में हो जाएंगे टू हंड्रेड के साथ सॉरी फिफ्टी एंड टू सीरीज़ में हो जाएंगे टू हंड्रेड के साथ पैलल में तो उसका नेट निकालना इन दोनों का नेट फिर वन के साथ सीरीज़ में होगा इसलिए यहाँ वन भी लिखा है तो फोर्टी टू पॉइंट थ्री आया फिर से करंट निकाला तो ये 0.1 के आसपास आ रहा फिर से बट अभी अमीटर का करंट निकालेंगे इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में तो ये 52 है दोनों का और ये 200 है तो 200 हंड्रेड अपऑन आर्मे प्लस आटो टू हंड्रेड प्लस फिफ्टी टू इन टू टोटल करंट अप कमिंग टूअर्ड्स दैट सर्किट जीरो पॉइंट वन आ रहा है तो जीरो पॉइंट ज़ीरो एट आएगा इसमें इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में होता है और वी ओके यहाँ पे देखो ये वाला फार्मूला क्या है आई वन इज बी आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू इंटू ऐसा बोला जाता है तो आर टू यहाँ पर टू हंड्रेड हो गया और नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे टू हंड्रेड और ये दोनों मिला के फिफ्टी टू करंट आ कितना आ रहा है जीरो पॉइंट वन आ रहा है और फिर से वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो पॉइंट वन और इन दोनों का जो है नेट एस्टेंस पैरेलल का फोर्टी वन पॉइंट थ्री तो अभी फोर पॉइंट टू रीडिंग था पहले फोर था रीडिंग चेंज हो गई अभी ज़्यादा दिखा रहा है ना क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट देखेंगे वोल्ट मीटर दिया है और वोल्ट मीटर आप रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस फोर हंड्रेड दिया है बाकी वैल्यू बैटरी की वैल्यू दी है इसका भी दिया इसका भी दिया है वाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर फिर से इसका नेट निकाल के इसके साथ सीरीज़ में ले के करंट निकालना पड़ेगा ये ठीक है फिर ओम फॉर वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा वी इंटू आई इंटू इसका आर नेट ट्वेंटी फोर वोल्ट आ जाएगा इसका फिर सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं व्हाट द पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस हंड्रेड ओम बिफोर द वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड मतलब ये नहीं है अभी तो अभी फिर से ये अभी अभी इसमें करंट कितना होगा आई डैश इन टू हंड्रेड तो आई डैश इज एटी फोर और ये दोनों सीरीज में है तो नेट रेजिस्टेंस थ्री हंड्रेड और मल्टीप्लाई बाई इसका रेजिस्टेंस हंड्रेड ट्वेंटी एट आ जाएगा ठीक है करंट निकालने के लिए ये तुम्हारा वी डैश I डैश I डैश कितना है E अपॉन आर वन प्लस आटो इंटू हंड्रेड के लिए इन टू हंड्रेड के क्रॉस ये ये वैल्यू यहाँ पे ले वोल्ट मीटर हटा दिया गया अभी वोल्ट मीटर नहीं है नो वोल्ट मीटर कनेक्टेड नेक्स्ट वन इज द वोल्ट मीटर शोन इन द फिगर इज रीडिंग 18, इसकी 18 वोल्ट है 50 ओम फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर तो इसका आर ले लेते रेजिस्टेंस ठीक है तो ये दोनों पैरेलल में है इसके साथ सीरीज में तो ऐड करके करंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा आई ठीक है तो पैरेलल वाले का नेट इतना आएगा 24 के साथ सीरीज़ में आर नेट आ गया यहाँ से करंट फ्रॉम द बैटरी कितना चला ये आ जाएगा फिर फॉरवर्ड मीटर लगा रहे हैं हम वी इज एक टू आई इन टू आर पी इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस और करंट अप्रोचिंग ये सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगा करंट अप्रोचिंग के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो वोल्ट मीटर की रीडिंग देगा विच इज एटीन तो आई की वैल्यू पुट कर दी आर पी की वैल्यू पुट कर दी और सिंपलीफाई करेंगे तो इट कम्स वेरी क्लोज टू वन ट्वेंटी नाइन वोल्ट इसलिए आंसर वन थर्टी लिखा ठीक है तो यू कैन सी दट नोट कॉन्सेप्ट समझ लो फिर से एक बार इन दोनों का नेट निकाल लिया इसके साथ सीरीज में है तो उससे करंट मिल जाएगा आई डो वी वी अपन आर नेट और फिर इसके लिए हमने रीडिंग फिर से होम्सला लगाया वैल्यू प्रोट करने के साथ एक ही नोन है आंसर we'll ये अपना वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है ये वोल्ट मीटर है और यहाँ पे इसका इसका ट्वेंटी फाइव ओम है जिसको गैलोमीटर एक्ट से कन्वर्ट किया जाता है इसलिए गैलोमीटर एक्सटेंस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एन बुक कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस 575 सेवेंटी फाइव क्वायल एज द टेन मिली एमपियर फुल फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब सर ये मैक्मम करंट आएगा तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा वाट मैक्मम पोटेंशियल इसकी रेंज निकालनी है तो वी ओम्सला से वीडोडो आए इसमें जो करंट जा रहा है और इस ब्रांच का टोटल एक्सटेंस आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू तो ये रेंज हो जाएगी सिक्स के लिए पूरा फुल्ली डिफ्लेक्ट हो जाएगा दोनों एस्टेंट सीरीज में लगा दीजिए तो वी इज इक्वल टू सिक्स वोल्ट दैट्स ऑल विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टेन क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच कीप वर्किंग हार्ड गॉड ब्लेस यू